फ्रेंड्स, आज मैं ओडिशा स्पेशल फिश आलू करी रेसिपी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है, जो नॉनवेज लवर है उनके लिए तो बहुत अच्छा रेसिपी है। आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू जानते हैं मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर घर में बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ। और बच्चे जब खा के बोलते हैं टेस्टी लगता है, अच्छा बना है, तो मुझे खुशी मिलती है। तो सोचा मैं आज आप लोगों को ये शेयर करके दिखाऊं। बच्चों के लिए ये फिश में रखी हूँ, और ये फिश के साथ फिश एग भी था, नमक हल्दी मिला के रखी हूँ, और फिश एग के साथ थोड़ा बेसन मिला के, नमक हल्दी तो मिलाई थी, बेसन मिला के इस तरह मिला देने से पकौड़ा की तरह हम तल लेंगे। आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से जान पाएंगे। और इसको भी, ये जो फिश के जो पीसेस है उसको भी नमक हल्दी मिला के मैं रखी हूँ। अभी मसाले के लिए जो करी बनाऊंगी, इस तरह लहसुन रखी हूँ, प्याज, ये सब पेस्ट बनेगा, थोड़ा सा धनिया, धनिया थोड़ा एक बड़े चम्मच और आधा चम्मच के करीबन रखी हूँ, जीरा, दालचीनी और इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च और लाल सूखा मिर्च, टमाटो, प्याज, लहसुन जो भी रखी हूँ, अदरक नहीं मिलाई हूँ। आप लोग चाहे थोड़ा सा अदरक मिला सकते हैं, पर मैं अदरक पेस्ट नहीं करती हूँ। और ये जो रखी हूँ ऑनियन में कटिंग करके, उसको मैं पहले फ्राई करूँगी, और ये जो रखी हूँ प्लेट में उसको मैं पेस्ट बना लूँगी। अदरक आप चाहें तो मिला सकते हैं। पहले ये सभी चीज़ों को पेस्ट बना के रख लेंगे, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। इस तरह सभी चीज़ों को मैं मिक्सी जार में लेके पेस्ट बनाने के लिए रखी हूँ। और ये आलू थोड़ा रखी हूँ कटिंग करके, लंबे लंबे में फिश आलू करी बनेगा। और ये कढ़ाई में 4 से 5 बड़ा चम्मच के करीबन मस्टर्ड ऑयल लेके, जो फिश जो पीसेस था नमक हल्दी मिला के रखी थी, उसको मैं फ्राई करने के लिए शुरू की हूँ। इस तरह उलट पुलट करके हम दोनों तरफ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे सिंपल फिश फ्राई होता है, मैं उसे ही फ्राई कर रही हूँ। पहले अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम करी बनाएंगे। फिश के जो पीसेस थे उसको मैं फ्राई कर चुकी हूँ इस तरह। और उसके बाद जो फिश एग था, बेसन मिला के रखी थी, हल्दी, नमक, उसको इस तरह पकोड़े जैसे छोटे छोटे मैं करके तल रही हूँ। ये भी फैल जाता है, पर जैसे पकोड़ा बनता है ऐसे ही बाद में हो जाता है, देखिए इस तरह। और उसको अच्छे से दोनों तरफ को फ्राई करके भी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद करी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और अभी देखिए सभी जो फिश एग के जो पकौड़ा है उसको भी मैं निकाल चुकी हूँ। इस तरह बना है सभी चीज़। और थोड़ा और तेल मिला के मैं जो आलू कटिंग करके रखी थी लंबे लंबे स्लाइस में, उसको फ्राई कर रही हूँ। पहले नमक हल्दी थोड़ा मिला रही हूँ, क्योंकि बाद में हम जब करी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, उसके साथ मिलाएंगे। और इस तरह थोड़ा हाफ से ज़्यादा मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह आलू फ्राई करने के टाइम नमक हल्दी मिला देने से बाद में जो ग्रेवी के साथ नमक का बैलेंस होता है। और आलू निकालने के बाद और थोड़ा सा तेल मिला के, और थोड़ा एक छोटा चम्मच चीनी को कैरमलाइज की हूँ, क्योंकि ऐसे करने से कलर अच्छा होता है। और प्याज जो कटिंग करके रखी थी उसको पहले फ्राई कर रही हूँ। जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, उसके बाद मैं जो पेस्ट बना के रखी हूँ मसाला, उसको भी ऐड करना है।
अभी देखिए ये जो प्याज है ये सॉफ्ट हो रहा है और कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद हम जो पेस्ट बना के रखे थे मिक्सी जार में उसको ऐड कर दी हूँ और उसको अच्छे से मिलाना है और अच्छे से मसाले को फ्राई करना है। जब तेल अच्छे से निकल जाए मसाले से उसी तक हमको अच्छे से फ्राई करना है और मसाले के क्वांटिटी को देखकर नमक हल्दी और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर में ऐड की हूँ, क्योंकि जो फिश और फिश एक में फ्राई करके रखी हूँ उसके साथ में नमक हल्दी मिलाई थी और ये जो मसाला को देख के ही मैं नमक हल्दी मिलाई हूँ। आलू जो फ्राई करके रखी हूँ उसके साथ भी नमक हल्दी मिलाई थी। इस तरह इस जो रेसिपी फिश करी बनता है ये नमक का बैलेंस थोड़ा हमको ध्यान में रखना है, सभी चीज़ों के साथ हम देख के नमक को मिलाना है। और अच्छे से मसाला फ्राई हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से हो गया है। जब तेल छोड़ गया मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो गया, आलू जो फ्राई करके रखी थी हाफ फ्राई करके रखी थी उसको मिला के आलू को भी अच्छे से मसाले के साथ मिलाना है। जो मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी था उसको मैं मिला के ये फ्राई कर रही हूँ और अच्छे से थोड़ा ढक्कन दे के मैं रख लूँगी ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले के साथ उसका जो फ्लेवर आलू और मसाला घुल मिल जाए और बाद में टेस्ट अच्छा लगेगा। इसीलिए सबको मिला के आलू को ढक्कन दे के मैं ढक्कन जब खुली आलू को चेक कर रही थी और कुछ देर बाकी है आलू गलने में, इसीलिए फिर से ढक्कन दे के मैं मिला चुकी हूँ। इस तरह देखिए आलू अच्छे से मसाले के साथ मिल गया है। अभी हम जितना ग्रेवी रखेंगे उतना पानी मिलाएंगे। मैं थोड़ा पानी मिला के चेक कर रही हूँ मुझे कितना ग्रेवी चाहिए, क्योंकि फिश जो पीसेस है ज़्यादा है, थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा बनेगा इसलिए पानी में देख के दी हूँ। ज़्यादा दे देने से अच्छा होगा, बाद में जो फिश का जो पीसेस है वो भी थोड़ा पानी सोख कर लेगा और जब एक दो उबाल आ जाएगा ग्रेवी में उसके बाद हमको फिश के जो पीसेस है उनको मिलाने हैं। और सबको जो फिश के जो पीसेस हैं, फिश के जो एक के जो पकौड़े हैं, मैं सबको मिला के दे रही हूँ। देखिए सभी चीज़ अच्छे से फ्राई हुआ था और नमक बैलेंस करके मैं दी थी और एक दो उबाल आ जाने के बाद ये करी बन जाएगा फिश करी। देखिए अच्छे से जो फिश के पीसेस है सॉफ्ट हो गया है और करी हमारा फिश आलू करी बन गया है। अभी मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। थोड़ा ग्रेवी मैंने पहले रखी हूँ और फिश के जो पकोड़े हैं देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ग्रेवी के साथ और फिश के जो पीसेस है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फिश रेसिपी में ओडिशा में ज़्यादातर घर में इस तरह फिश आलू करी बनता है, तो मैं आज ये बना के आप लोगों को दिखाई हूँ। आशा करती हूँ ये रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। फिश एग के जो पकोड़े हैं आप लोग ऐसे ही खा सकते हैं और इस करी के साथ भी मिला के खा सकते हैं। तो देखिए कितना यमी दिख रहा है। जो नॉन वेज लवर हैं वो लोग इस तरह फिश आलू करी बना के खा सकते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।